ठगे गए मतदाता, साधो ठगे गए मतदाता, साधो ठगे गए मतदाता। छुक 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 छुक, लो आ गए हम अगले स्टेशन के करीब। चुनावी दंगल में हमारी ट्रेन का सफर आने वाले चुनावों को आपके लिए यादगार बना देगा। अब तक आपने लोगों को टीवी और मोबाइल पर अपनी राय देते देखा होगा, लेकिन अब द एंगल आपको दे रहा है मौका चुनावों के लिए अपनी राय देने का। तो उठाइए फोन और बनाइए वीडियो और शेयर कीजिए ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, और बताइए राजस्थान को अपनी राय, कौन जीतेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी। तो सोचना फिर किस बात का है, हो जाइए हमारे साथ सवार। ट्रेन की सीटी बज चुकी है और हम निकलते हैं अगले सफर पर। तो आइए आपको कराते हैं दिल्ली का सफर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई चुनाव तो राजस्थान में है और हम आपको दिल्ली ले जा रहे हैं, लेकिन साहब दिल्ली से ही तो राजस्थान की राजनीति की कठपुतलियों के धागे खींचते हैं। दिल्ली वाले टीटी ने बताया कि राजस्थान की मुख्यमंत्री साहिबा मुंह फुलाए गुस्से से तमतमाती दिल्ली से धौलपुर की ट्रेन में चढ़ी थी। उनके साथ के जो लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि महारानी की तो ई बार ना चली दिल्ली में, अब का होगो भैया, टिकट मिलेगो कि नहीं। अब महारानी साहिबा को उनकी पसंद का टिकट तो ना मिला, लेकिन हमारी रेल का टिकट उन्हें हम जरूर दे देंगे। चलिए दिल्ली से तो हम निकल गए, अब हमारा राजस्थान री जनता माने झोली भर भर कर वीडियो भेजा है। तो आप थाने भी सुनावा हाँ कि राजस्थान री जनता आप वीडियो में काई खेरी है। उदयपुर का गोगुंदास है, लोग देखो काई खेरा है, वह भी सुरीला अंदाज में। उके बाद सीकर का खंडेला से एक यात्री भी हमारे साथ सवार हुए है। इन्होंने जितना भी गलत किया है जो स्टूडेंट्स और किसान लोगों के लिए किया है, इन्होंने पहले और ये जीते थे, इनकी जीत सिर्फ हुई थी वो सिर्फ स्टूडेंट की वजह से और किसान लोगों की वजह से जीत हुई थी, क्योंकि इन्होंने जो लुभावने वादे किए थे। अब आप देख सकते हो कहीं भी किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है, जैसे आज ही आज जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हो रही है, 3-4 दिनों से जो एग्ज़ाम चल रही है उसके पेपर 3 घंटे पहले बाज़ार में आ जाते हैं, फिर देखो क्या मजाक हो रहा है। जैसे ये पिछली तकनीकी सहायक जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पेपर आ गया था, कुछ हुआ नहीं, लोगों के मतलब छात्रों के 250 में से 248 नंबर तक आ रहे हैं और उनको रोल नंबर लिखना तक नहीं आता है, ये हो रहा है बीजेपी में देखो। और जो राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम हुई थी उसमें रिटर्न में जो लोग पास हो गए उनका फिजिकल का एडमिट कार्ड तक अपडेट नहीं हुआ, जैसे उनमें एक मैं भी हूँ, जैसे मैंने जोधपुर कमिश्नरेट से था, जनरल फाइट किया था, OBC से हूँ, फिर उसका वो फिजिकल का एडमिट कार्ड अपडेट नहीं हुआ। अब कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट में कुछ होना नहीं होना समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे इन 5 साल में तैयारी भी की, ऐसी कोई बात नहीं है,
लेकिन इस गवर्नमेंट के भरोसे बहुत सारे छात्र जो है 5 साल के चक्कर में ओवरेज हो चुके हैं। इस गवर्नमेंट ने जो भी किया सब कुछ भी अच्छा नहीं किया, जो भी है हमारे यहाँ जो लोकल में अच्छा किया वो सिर्फ कॉमरेड सरकार है, जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों में भी जो कुछ किया है, आम लोगों की भी हेल्प करती है, बिजली बिल में भी किया है जो है। क्यों दिया हम बीजेपी को वोट? बीजेपी ने किया क्या है? सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, फलों के दाम बढ़े हुए हैं, गैस के दाम बढ़े हुए हैं, सारा ही बजट गड़बड़ाया हुआ है। हम कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को देंगे वोट, जो कम से कम महंगाई तो कम होगी। गाना हो गया, बजाना हो गया, सरकार को मजा चखाना हो गया। आप भी अपने पसंदीदा नेता के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो भैया गाहे सोच रहे हो, वीडियो बनाओ और चिपकाओ व्हाट्सएप पर। तब तक मैं भी देख रहा हूँ कोई बैठ ना गया हो मेरी बर्थ पर। नमस्कार। साधो ठगे गए मतदाता, साधो ठगे गए मतदाता, साधो ठगे गए मतदाता।